और उसने मेरे पापा को हमारा जो ब्लॉग्स है दिखा दिया, और अब पापा ने तुम्हें बुलाया है, अब मुझे घर जाना है तुम्हें लेकर, अकेले नहीं। ऐसे बात करना कि वो तुम्हें पसंद कर ले। हाँ? ऐसे बात करना कि वो तुम्हें पसंद कर ले, यही। अब मतलब तुम क्या बोले हो अपने घर में मेरे बारे में, मैं कौन हूँ? मतलब तुम्हारे पापा तुमसे फोन में बोले ना? फिलहाल तो मैंने बोला है कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ वीडियो बनाती हूँ। तब क्या करना पड़े? मतलब तुम्हारे पापा बोलना क्या चाहती है, मतलब मेरे से मुलाकात करके क्या करेगी? उन्होंने कुछ तो शक किया है, यकीन करते हैं मेरे ऊपर, फिर भी शक किया, इसलिए ही तुम्हें बुलाया है। तो मेरे क्या बोले? मेरे पापा को डर है कि तुम अगर मुझे फंसा के बेच दो तो। हाँ, हम तुमको बेचने के लिए तो फंसाए हैं। तुम्हारे जैसे लड़के तो लड़कियों को फंसा के बेच देते। हाँ, तो जाओ यहाँ से यार। तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम मोटो ब्लॉग्स। तो गाइस, सुबह मेरे को ज्योति ने कॉल किया था और मेरे को बोला एक अच्छी खबर है एक बुरी खबर है। मतलब अभी तो मेरे को फ़ोन करके बुलाया है, तो अभी जाते हैं और देखते हैं मतलब खबर क्या है गाइस। तो गाइस पहले थोड़ा फ्यूल अप करते हैं, उससे बाद ज्योति से मिलते हैं। तो गाइस अभी ये लड़की आ रही है। यार अभी से मुझे टेंशन हो रहा है। क्यों? तुम्हें तो बताया ही नहीं मैंने। क्यों टेंशन हो रहा है यार? तुमने फोन में बोला मेरे को कुछ न्यूज़ देना है, अच्छा न्यूज़। अच्छा भी है और टेंशन भी हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। मेरा एक भैया है, तो वो भैया मेरा ब्लॉग देखते हैं, मुझे पता नहीं था वो मेरा ब्लॉग देखते हैं, और उसने मेरे पापा को हमारा जो ब्लॉग्स है दिखा दिया, और अब पापा ने तुम्हें बुलाया है, अब मुझे घर जाना है तुम्हें लेकर, अकेले नहीं, और आज शाम को ही घर जाना है, बुलाया है तुम्हें। कौन बुलाया है? पापा ने। तो अभी जाके हम क्या करेंगे, मतलब किस लिए बुलाया है? तो तुम उनके लड़की के साथ घूम रहे हो फिर रहे हो, तो तुमसे नहीं मिलेंगे वो? हाँ मिलेंगे तब तो ठीक है, लेकिन मतलब अभी जाके क्या करेंगे हम, क्या बोलेंगे? मेरा पापा जो पूछेंगे वही उसका जवाब दोगे जाके, मुझे पता नहीं। मतलब तुम क्या हमारे रिलेशन को तुम क्या बोले अपने, तुम कोई प्रैंक कर रहे हो यार? नहीं नहीं, ये वाला सच्ची में प्रैंक नहीं है, सच्ची में आज शाम को ही बुलाया है। सच में प्रैंक नहीं है, मजाक कर रहे हैं। सच्ची में बोल रही हूँ, आज कोई प्रैंक नहीं कर रही हूँ, सच्ची में बुलाया है। हाँ, यकीन नहीं हो रहा है ना, मैं मेरे साथ चलो, तुम कहाँ पे चलो? मेरे घर पे लेके जाऊंगी ना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम डर रहे हो क्या? काहे डरेंगे, तुम्हारा शक्ल देख के। तुम तो हर टाइम मजाक करते रहते हो। अरे ये वाला मजाक नहीं है। हाँ सच बोल रही हूँ, मेरे को तो यही लग रहा है तुम अभी भी मजाक कर रहे हो। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ, पिछले दिन ये लेकर मजाक की थी ना मैंने, तो आज सच्ची में पापा ने बुला लिया। तुम्हारे पापा कहाँ से देखे हमारा ब्लॉग, ये पहली बात ये। अरे तो मेरा जो भैया है ना वो मेरा ब्लॉग देखते हैं हमेशा, मुझे पता नहीं था, तो उसने ही मेरे पापा को दिखा दिया। तो मेरे भैया ने मेरे पापा को दिखा दिया कि आपकी लड़की देखो ये लड़के के साथ घूमते फिरते वीडियो करते हैं, तो मेरे पापा ने बुलाया है तुम्हें। यूँ ही तो अपने लड़की को किसी और लड़के के साथ घूमने फिरने तो नहीं देंगे ना कोई। तो क्या करेंगे हम जाके, मतलब क्या करेंगे तुम बोलो? जाके बात करोगे उनसे अच्छी तरह से? क्या बात से? करेंगे, तुम तो टेंशन में डाल रही हो यार। ऐसे बात करना कि वो तुम्हें पसंद कर ले। हाँ ऐसे बात करना कि वो तुम्हें पसंद कर ले, यही। अब मतलब तुम क्या बोले हो अपने घर में मेरे बारे में, मैं कौन हूँ? मतलब तुम्हारे पापा तुमसे फोन में बोले ना? फिलहाल तो मैंने बोला है कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ वीडियो बनाती हूँ। मेरे पापा ने कहा कि दोस्त है तो ठीक है, क्यों पर ऐसे वीडियो क्यों बनाते हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं, मैंने तो अपने पापा से बताया भी नहीं। अरे वीडियो बनाता तो कोई गलत काम करते हैं? यही बात मैंने पापा को समझाया कि हम। लेकिन पापा ने वीडियो देखा तो ये भी देखा होगा कि मैं तुमसे आई लव यू वगैरह। पापा को मैंने बताया कि हम दोस्त है। तुम अपने पापा को समझा देना कि हम वीडियो के लिए सब बोलते रहते हैं। मैंने बोला है पापा को कि वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शरीफ लड़का है। हाँ शरीफ है, अभी मेरे को टेंशन में डाल के बोल रहे शरीफ है। पर पापा को तो समझाना पड़ेगा तुम शरीफ नहीं हो, मुझे पता है। पापा को जाके बोलो कि तुम कितने बुरे हो, ये तो नहीं बता सकती। हाँ मैं बुरा भी तो हूँ ना, ये तो नहीं बता सकती हूँ। 10 लड़कियाँ लेके घूमता हूँ ना, शैतान तो हूँ। लड़कियों वाला बुरा नहीं बोला है तुमने। तब क्या करना पड़े? मतलब तुम्हारे पापा बोलना क्या चाहती है, मतलब मेरे से मुलाकात करके क्या करेगी? देखेंगे कि तुम
असली में क्या हो, मैं जैसा बोला कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें बहुत अच्छा बनाया है उनके सामने, तो वो सामना सामने तुमसे मिलेगा। पापा को तो पता ही है। अरे यार तुम, अरे सुनो एक बात, हमने एक दिन बोला था तुम अपने घर पे बताओ मेरे बारे में, ठीक है, अब घर में पता चल गया, पता नहीं क्या बोलेंगे तुम्हारे घर वाले। हाँ, तुमने ही तो कहा था कि मैं अपने घर में बोलूं, तो अब डर लग रहा है क्यों? अबे डर नहीं लग रहा है, मेरा सिचुएशन तुम नहीं समझोगी। क्या सिचुएशन? तुम नहीं समझोगी। हाँ, एक लड़के के लिए ये चीज करना कितना मुश्किल होता है। और एक लड़की के लिए अपने घर में बताना पता है कितनी मुश्किल होती है? एक दिन तुमने मेरे साथ झगड़ा किया था ये टॉपिक लेके कि घर में बताओ, घर में बताओ। अब कैसे फट रही है तुम्हारा? कुछ फट नहीं रही। हाँ, पता चल रहा है। अच्छा तुम ये बताओ, मेरा पापा, मैं जितना भी बोलूं कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, पर वो तो मेरे से बहुत बड़ा है ना, मेरा बात ऐसे ही नहीं मान लेगा। उन्होंने कुछ तो शक किया है, यकीन करते हैं मेरे ऊपर, फिर भी शक किया, इसलिए ही तुम्हें बुलाया है। तुम तो मेरी, नहीं तो ऐसे ही दोस्त होते तो मेरे तो बहुत दोस्त है, तुम्हें नहीं बुलाता घर पे ना। एक तो मेरी फटी पड़ी है, ऊपर से तुम मेरे को और ज्यादा टेंशन दे रही हो। जाओ, मिलो मिलो, तुम ये प्रैंक कर रहे हो मेरे को? सच में? अच्छा ठीक है, जब घर में ले जाऊंगी तब तो यकीन हो जाएगा ना। कब लेके जाओगी बताओ? शाम को जाऊंगी। आज शाम को? पागल हो गई क्या? मेरे को तो लग रहा है फुल पागल हो गई हो। मैं पागल नहीं हुई हूँ, मैं तुम पागल, तुम टेंशन में आके पागल हो गए हो। वैसे बहुत धूप लग रही है यहाँ पे। हाँ तो ये मतलब तुम मेरे को ये बताओ, तुम्हारे पापा मतलब मेरे को बुलाया है, ये तो बताया होगा किस लिए बुलाया है? हाँ, तुमसे मिलना है, तुम कैसे हो ये देखेंगे वो। कैसे? मैंने कहा वो तो मेरा सिर्फ दोस्त है, तो उससे क्यों मिलोगे? तो पापा फिर भी तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि पापा को तो शक हुआ है ना कि घर में तुम बोलना ये कि हम वीडियो के लिए तुमको आई लव यू वगैरह बोलते रहते हैं। अब फिर भी अपनी लड़की को कोई ऐसा ही अनजान लड़के के साथ वीडियो नहीं करने दे सकते है ना। तुमसे जरा मिल ले, तुम कैसा हो जान ले, तुम्हारे साथ बातें कर ले, तो फिर उन लोगों को टेंशन नहीं होगी। यहाँ पे अकेली पढ़ाई के लिए रहती हूँ, तो उन लोगों को तो डर होता है ना कि ये लड़का अगर मेरी लड़की को किडनैप करके बेच दे तो। पहले जाओगे और फिर मेरे पापा से मिलोगे अच्छी तरह से, और अच्छा वाला बिहेवियर करोगे उन लोगों के सामने बस, और मेरे पापा जो पूछेंगे उसका सही सही अच्छे से जवाब दोगे। हाँ तो मैं तो पहले ये बोल दूंगा कि आपका मतलब लड़की मेरा फ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तुम अगर बोल सकते हो तो बोल देना, फिर मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है। आज अचानक से घर क्यों जा रही हो? अरे यार, मैं बहुत दिन से नहीं गई ना, इसलिए, और ऊपर से मेरे पापा भी तुम्हें लेके जाने के लिए कहा, इसलिए। तो तुम मेरे साथ ही जाओगी? हाँ हाँ हाँ। मेरा घर पहचानते हो? नहीं पहचानते थे। तो मेरे साथ ही तो जाओगे? तो अब क्या बोले? मेरे पापा को डर है कि तुम अगर मुझे फंसा के बेच दो तो। हाँ, हम तुमको बेचने के लिए तो फंसाए हैं। तुम्हारे जैसे लड़के तो लड़कियों को फंसा के बेच देते हैं। हाँ तो जाओ यहाँ से यार। यार मजाक कर रही हूँ बस, मेरे तुम अच्छे से बात, अच्छे से उनसे मिलना, अच्छे से बातें करना। अच्छा तुमको छोड़ के आना पड़ेगा क्या उधर? मतलब नहीं, छोड़ नहीं, के नहीं, चले आएंगे नहीं, क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चली आऊंगी, क्योंकि मेरा कॉलेज है ना, इसलिए मैं नहीं रुक सकती हूँ, मुझे आना पड़ेगा, तुम्हारे साथ ही चली आऊंगी। ठीक है, देखते हैं, तुम्हारे पापा मेरे को पहले जिंदा तो छोड़े, उसके बाद तुम मेरे साथ आने की बात करोगी यार। मतलब मेरे व्यूअर्स जो है सारे समझ सकते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और क्या बोले, अभी तुम अपने घर जाओ, हम भी अपने घर जाते हैं। ऊपर से तुमने तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन दे के रखा है यार। ठीक है, जाओ जाओ, हम देखते हैं, शाम को मिलते हैं। हाँ जाओ जाओ, अच्छी तरह से रेडी होके आना। अच्छा ठीक है, शाम को यहीं पे मिलते हैं फिर, ठीक है? तुम यहीं पे रुकोगी? हाँ यहीं। अरे सच बोल रही हूँ, मेरा मतलब तुम्हारे घर जाओगी। जब तक मेरे घर पे तुम नहीं जाओगे तब तक तुम्हें यकीन नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जाती हूँ फिलहाल, यहीं पे मिलते हैं शाम को। ठीक है, तुम यहीं पे आओगी शाम को? हाँ। तो गाइस अभी ज्योति आके तो मतलब क्या खबर दिया सुबह सुबह, मेरी अभी फटी पड़ी है गाइस, क्या करे। आप लोग जरा कॉमेंट करके मेरे को मेरा हौसला बढ़ा दो गाइस। ये अभी लड़की सच बोल रही है कि झूठ, मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इसके पापा ने मेरे को बुलाया है। तो सच में ही बुलाया होगा, क्योंकि ये भी मतलब सीरियसली तो बोल रहा था, और शाम को जाने का भी बात कर रहा है तो इसका मतलब तो सीरियसली बोल रहा होगा।
तो गाइस देखते हैं मतलब जाके हम क्या बोलेंगे उसके पापा के सामने। तो मेरा सब्सक्राइबर्स कौन कौन ऐसा सिचुएशन में पड़े हो मेरे को कमेंट करके बताना गाइस। तो अभी ज्योति भी घर चला गया है, मैं भी घर चला जाऊंगा और प्रिपरेशन लेते हैं मतलब क्या बोलेंगे क्या नहीं अभी भी नहीं मालूम। तो गाइस पिछले वाले सारे ब्लॉग में हम बोलते आ रहे हैं कि ज्योति का घर बैरकपुर में। तो गाइस ज्योति हमारे इधर का एक कॉलेज में पढ़ता है और बैरकपुर में एक गर्ल्स हॉस्टल में रहता है, लेकिन उसका घर नोदिया पे है। तो मेरे को भी नहीं मालूम कि नोदिया पे कहाँ पे है। तो आज जाएंगे उसके घर उसके साथ। उसने तो बोला कि उसने उसके पापा ने मेरे साथ वीडियो देखा है। अगर उसका पापा हमको पूछता है कि ये तुम्हारा मतलब तुम इसका आई लव यू वगैरह क्यों बोलते, तो इसका जवाब हम काहे मतलब कैसे देंगे ये। तो अभी डरेंगे नहीं, जाएंगे मतलब बुलाया है तो अंकल ने जाना तो पड़ेगा। तो गाइस शाम को जाएंगे ज्योति के घर और हम भी पोलाइटली बिहेवियर करेंगे, मतलब हमसे जितना हो सकेगा सबसे अच्छा बिहेवियर करने की कोशिश रखेंगे पूरा। तो गाइस आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा बहुत दुआ कर देना क्योंकि सच में मेरी अभी फट रही है। तो अभी और कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब घर जाके थोड़ा बहुत सोचना तो पड़ेगा क्या बोलना पड़ेगा क्या नहीं। तो गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन दबा के भर देना कि आप लोगों के साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है कि नहीं और मेरे साथ क्या होगा, आप लोगों को क्या लगता है। तो गाइस आप लोग कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरे को थोड़ा बहुत हौसला मिलेगा। तो गाइस अभी इधर से सीधा घर चले जाएंगे, वीडियो और लंबा नहीं करेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे एट होम, बाय बाय।